हेलो एवरीवन, तो मैं पूजा हूँ लातूर डिस्ट्रिक्ट अहमदपुर तालुका से। मैं आज सर्टिफिकेट लेने के लिए मुंबई आई हूँ। मैं उतनी दूर से यहाँ पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती। जब मुझे पता चला तो मैंने देखा यूट्यूब पर और सर्च किया, और करते 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 मैं इतना आगे आ गई कि फिर कंटिन्यू मैं हर वीडियो देखने लग गई। और ऐसे होता था कि एक दिन मैं YouTube पे ना जाऊँ और सैमंजस का चैनल ना देखूँ, ऐसा होता ही नहीं था। इवन अभी भी वो होता है, मैं एवरी डे एक बार जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही सैमंजस का चैनल चेक करते रहती हूँ कि क्या आज नहीं आया, आज कौन सा कोई ऑनलाइन कोर्स का डिटेल्स दे रहे हैं क्या, ऐसे करके मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं क्या देख रही हूँ करके, खास करके सैमंजस चैनल के लिए। ये इसलिए ऐसे हुआ क्योंकि 2020 में मैंने एक वीडियो देखा था सर का जो हेयर स्ट्रेटनिंग का था, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने वो वीडियो एक के बाद देख देख कर मैंने वो सारा स्ट्रेटनिंग प्रोसेस ही मैंने इससे सीख लिया, तो तब से मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। और जब कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में जब ये ऑनलाइन कोर्सेज चालू हुए तो तब से मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि मेरी जॉब एक मैं जॉब करती हूँ तो वो मेरी जॉब भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं पूरा ऑनलाइन ही काम करती हूँ। तो लोग जब बोलते हैं ना कि ऑनलाइन सीखना नहीं होता, ऑनलाइन कर नहीं सकते, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग गलत बोलते हैं क्योंकि ऑनलाइन सब सीख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा होगा और सामने वाला सिखाने वाला अच्छा होगा। तो अगर सिखाने वाला अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना सबसे पहले कट का कोर्स सैमंजस से किया ऑनलाइन, फिर कलर का किया, फिर केमिकल का किया, और मैं वेट कर रही थी कि कब मेकअप का स्टार्ट होगा और कब मैं मेकअप का कोर्स करूँगी। क्योंकि क्या होता था, मेरी जॉब रहती थी सुबह में 9 to 6 मेरी जॉब रहती थी और इवनिंग में मैं फ्री रहती थी, तो मुझे हमेशा रहता था कि मैं ऐसा कोर्स मिले मुझे जो इवनिंग में स्टार्ट हो। और फाइनली इतने दिनों के बाद में वो इवनिंग का कोर्स आ गया और मैंने फाइनली वो कंप्लीट कर दिया। और मैंने इतना सीखा कि मुझे लगता है कि जहाँ पे मैंने पैसे देके, मतलब यहाँ पैसे तो देना ही पड़ता है, पैसे देने के बाद में जो मैंने अकेडमी में जिस जहाँ पे भी जाके सीखा उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिला, और वो भी कम पैसों में, ओनली 5,000 रुपीज़ में इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई देगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, खास करके मैम के साथ में। सर का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मैम का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। तो थैंक यू सो मच इस सारे चीज़ों के लिए जो भी मुझे यहाँ से मिली है। आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एक ही ब्राइड की थी, और इस कोर्स को करने के बाद में अभी तक मैंने 60,000 रुपीज़ कमा लिए। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कहाँ से कहाँ लेके आ गई है एकेडमी मुझे। तो थैंक यू सो मच इन सब के लिए, थैंक यू सैम मैम, थैंक यू जय सर। तो जब ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट थिंग जिस दिन से स्टार्ट हुआ था, मैं तो बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब हो जाएगा, और जिस दिन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि डायरेक्टली फर्स्ट से ही हमें कुछ मेकअप में दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। पहले सबसे अच्छे से एकदम से प्रोडक्ट नॉलेज देंगे। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि फटाफट से ये ब्रश ले लो, वो ब्रश ले लो, ये प्राइमर लगा दो, ऐसे होता है तो ऐसे भी नहीं होता है। मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया तो मैम ने पहले हमारे को पूरा साइंस के बारे में बताया, मेकअप हिस्ट्री बताई, फिर उसके बाद में ब्रशेस के बारे में बताया, फिर प्राइमर के बारे में बताया, मॉइस्चराइज़र के बारे में बताया। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं बोलने से ही कि एक एक नॉलेज जब आपके पास में आएगी तो आपको पता चलेगा कि, क्योंकि हम मेकअप करने जाते हैं तो हमेशा आपको एक ही टोन के लोग नहीं मिलेंगे। शायद अभी आप जाओ किसी को तो उनके फेस पर शायद रेड पिंपल्स हो, किसी के पास में जाओ तो उनके पास में पिगमेंटेशन हो, तो उन ऐसे दो लोग अगर मिलते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ये आपको इस कोर्स में तब दिखाया मुझे, और मैंने बहुत अच्छे से किया। अभी जब मैंने अपने इस साल की ब्राइड की तो मुझे बहुत सारे इशूज़ आए, जैसे कि मुझे पिगमेंटेशन की एक ब्राइड मिली थी, फिर मुझे एक रेड पिंपल्स वाली मिली थी, तो मैंने इतने अच्छे से कर दिया कि मुझे खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा था, अरे यार ये तो मैंने कर दिया करके। तो बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला है इस कोर्स से। और एक तो टाइम का है कि अभी ऐसा नहीं होता है कि 12 बज गया तो ख़त्म, आज का क्लास ख़त्म हो गया। मैं ऐसा कई बार हुआ है कि मैं खुद ही सो गई क्लास में, मैम ने मेरे को यही पूजा उठो कैसे सो गई, उठो ऐसे करके जगाया मुझे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब इतना इंटरेस्टिंग होता है कि
उसके बोल ही नहीं सकते, वर्ड्स ही नहीं होता है। प्रोडक्ट नॉलेज का ले लो, आप कितना एक्टिव रहना चाहिए वो ले लो, सब कुछ एकदम बढ़िया होता है। तो मैं इतने अपने मतलब दिल से बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच सैम मैम, जो आपने इतने लाखों करोड़ों की नॉलेज हमें एकदम इतने कम इसमें दे दी और इतने कम टाइम में आपने इतना सारा हमें अच्छा सिखाया, और वो भी ऑनलाइन। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम अकेडमी में नहीं है, या तो फिर हम इतनी दूर, आप मुंबई में रहते थे और हम हमारे घर पे एकदम आराम से बैठ के सीख रहे थे, ऐसे कभी फील ही नहीं कराया। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं तो आपको बोलना चाहूँगी कि पूरे हमारे विश्व में तो आपके जैसे गुरु हमें वापस से नहीं मिलेंगे, और मैं तो चाहती भी नहीं कि मैं किसी के पास में जाऊँ, तो आप एकदम वर्ल्ड में बेस्ट एकदम टीचर हो। सो थैंक यू सो मच सैम एंजल्स अकेडमी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।